जिनेंद्र जय भोलेनाथ। दोस्तों 2:30 बज गई और मार्केट ने एक ऐसा गिरावट दी है कि बड़े बड़े बुल्स की चड्डियां गीली हो गई है। लेकिन मारुति को देखिए, अभी भी ऊपर चल रहा है। इसका मतलब मारुति सुपर स्ट्रांग, हो सकता है मारुति 8000 का घोड़ा है। इतना मार्केट गिरने के बाद भी मारुति इस मंगलवार फैक्टर ठीक है, ऊपर से नीचे आया लेकिन बहुत अभी भी स्ट्रांग है। तो इस पर आप बाई जरूर करिएगा मारुति को लास्ट में, ये मुझे और तेज लग रहा है। चलिए पहले मार्केट देख लेते। 614 612, 556 का लो बना दिया। 600 तक मैंने हाईएस्ट सोचा था, तो मेरे से भी 50 पॉइंट नीचे लो बनाया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अब मार्केट यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ एकमात्र शख्स आप लोगों का अपना फैमिली मेम्बर प्रमोद जैन ही है, जो आपको बता सकता है लाइव मार्केट में अब क्या करना चाहिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अपना हुनर टैलेंट। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 16 15 670 से 16 927 28 का हाई बनाया। 15 670 से 16 928 का हाई बनाया, कितना पॉइंट हुआ, 16 928 माइनस 15 670, 1258 पॉइंट की राइज आई, ठीक है 8 तारीख से लेके अभी तक 1258 पॉइंट। अब अगर इसका करेक्शन देखें तो पहला 23.6% करेक्शन होता है 630 के नीचे, अगर आज क्लोज होता है, अगर 630 के नीचे आज क्लोज होता है तो कल आप 446 का लेवल जरूर देखोगे, 446 जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट बन के काम करेगा। लेकिन अगर किसी कारण से आज की क्लोजिंग 630 के ऊपर हो गई तो मार्केट इतना ही करेक्शन देगा जो आज दिए, फिर से रैली ऊपर की तरफ और इस बार 17200 की तरफ। फिर से रिपीट करता हूँ, 1258 पॉइंट की राइज दिया 8 तारीख से लेके अभी तक, 15671 से लेके 16928। अब इस राइज का 1258 पॉइंट का 23.6% करेक्शन होता है 16630। अगर आज 16630 के नीचे क्लोजिंग आती है तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट सिग्नल देके जा रहा है कि कल 446 देखने के लिए भी तैयार रहिए, 446 भी आपको मार्केट दिखाएगा अगर आज 630 के नीचे क्लोजिंग आती है। और अगर आज अपनी इज्जत बचा के 630 के ऊपर क्लोज कर देता है तो हो सकता है गाड़ी यहीं से ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाए। ये आपको लाइव मार्केट में कितने लोग बता रहे हैं आप खुद ढूंढ लीजिएगा। यानी कि आज अगर 630 के ऊपर क्लोज कर लिया तो फिर गाड़ी ऐसे जाएगी, समझ में आया, मगर आज 630 के नीचे क्लोज हुआ तो गाड़ी कल भी नीचे आएगी 400 की तरफ और वहां एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेके फिर भागेगी, ठीक है ये हो गया। अब हम लोग ऑप्शन चेन का भी सहारा ले लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखते हैं, जब इतना गिरावट आ चुकी है तो 17600 वाला पुट जिंदा है, 16600 वाला तो जिंदा है, मतलब मार्केट एक चीज तो दिखा रहा कि 16600 के नीचे तो क्लोजिंग आने नहीं दूंगा। ये पुट राइटर्स बड़े स्ट्रांगली खड़े हैं जबकि मार्केट 550 का भी लो बना दिया। आज ये तो पता चल गया कि 600 के नीचे क्लोजिंग आना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग को तब बुलिश रहना चाहिए जब 630 के ऊपर क्लोजिंग आए, और सुपर बुलिश तब हो जाना चाहिए जब 730 के ऊपर आज क्लोजिंग आ जाए। फिर से सुन लीजिए, मार्केट यहाँ पे ये ऑप्शन चेन तो यही दिखा रही है कि 16600 के ऊपर ही आज क्लोजिंग आएगी, आज की क्लोजिंग, अभी क्लोजिंग में एक घंटा बाकी है आप देख सकते हो, लेकिन 16600 के ऊपर ही आएगी। मगर आपको बाई में कंटिन्यू रखने के लिए 630 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि 23.6% 630 आता है। दूसरा बड़ा पॉइंट,
अगर किसी कारण से 730 के ऊपर आ जाएगी तो आप डबल क्वांटिटी बाई कर लीजिएगा, जितनी आपकी औकात है उससे ज़्यादा बाई कर लीजिएगा, लेकिन सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से, भूल से भी फ्यूचर के माध्यम से मत करिए, ताकि भैया कल कोई और कुछ हो जाए तो आप मुझे गाली नहीं दो। ठीक है, दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय बोले।